हेलो भाई, जीकेटीयू ने रिजल्ट आज भी जारी कर दिया। तो किन किन छात्रों का रिजल्ट है, उसके अलावा सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है, करना होगा सर्टिफिकेट अपलोड इस डेट तक, और उसका चैलेंज सॉल्यूशन फॉर्म और सीयू के रिजल्ट को लेकर बात करेंगे। तो 3 से 4 महत्वपूर्ण सूचना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, रिजल्ट किन छात्रों का है, किन छात्रों का है, सीयू पे कब आएगा, चैलेंज सॉल्यूशन फॉर्म को लेकर छात्रों के डाउट है कि कब ओपन होगा, सीयू पे रिजल्ट, जो भी सारे डाउट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो चली करते हैं। स्टार्ट किया पूरी आज की ऑफिशियल अपडेट। इसमें क्या मेंशन है कि उपरोक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना, विश्वविद्यालय के 2022-23 के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण छात्र, यानी कि लास्ट ईयर के अंतिम अंतिम वर्ष के उत्तीर्ण छात्रों के, रेगुलर छात्रों के जिनका मोक्स कोर्स की परीक्षा दे चुके हैं, उनके विषयों की विवरण, यानी कि पूरा डिटेल और प्रमाण पत्र, यानी कि जो उनकी रिजल्ट मार्कशीट है, उनका परिणाम है, यानी कि सर्टिफिकेट है, को 1वीं पर अपलोड नहीं हुआ है, को विश्वविद्यालय की ईआरपी पोर्टल पर दिनांक 5 अगस्त तक प्रत्येक दशा में अपलोड कर दें। कहने का मतलब है कि सभी कॉलेजों को एग्जीक्यूटिव ने क्या कहा है कि जिन बच्चों का फाइनल ईयर, जिनका मॉक्स कोर्स का अभी तक 1वीं अपलोड नहीं, उनको 5 अगस्त तक अपलोड कर दें, और साथ साथ में इस कोर्स हेतु लिंक आपके संस्थान की ईआरपी लॉगिन पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। आगे दूसरी जो अपडेट है, इसमें हम इसमें क्या मेंशन है कि एग्जीक्यूटिव की एक मीटिंग हुई थी, जो कि 24 जुलाई को मीटिंग हुई थी। इसमें क्या मेंशन है कि कृपया AICTE नई दिल्ली की ईमेल दिनांक 24 जुलाई को मीटिंग हुई थी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल एंड AICTE द्वारा मेंटर स्कीम 2023 प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें प्रतिभाग करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई, जिनको भी यहाँ पर ज्वाइन करना है, तो 30 जुलाई तक के सभी कॉलेज वाले ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा भी जो छात्रों के क्वेश्चन है, देखिए कुछ छात्रों को डाउट है, जैसे कि एक स्टूडेंट बलबीर जी पूछ रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में बैक बैक होगी तो फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन नहीं होगा, या ये बताइए कि पर ये पूछना था कि री एडमिशन होगा सेकंड ईयर में कि घर बैठ के करनी होगी। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि आपने ब्रांच नहीं लिखा, आप ब्रांच लिखा करिए, क्योंकि बीटेक का अलग रूल है, MBA बीफार्मा का अलग रूल है। तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी बैक लगी है और आप फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन, अगर आप बीफार्मा के हैं तो फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन नहीं हो पाएगा, अगर आप बीटेक के हैं तो हो जाएगा। जहाँ तक री एडमिशन री एडमिटेड की बात है और एक से की बात है, तो री एक से एडमिशन में आपको पूरा फिफ्थ क्लास करना होता है, जबकि री और एक से में केवल एग्ज़ाम देना होता है। बट फिर भी अपने कॉलेज से एक बार पूछ लीजिए। अभी ज्ञान पूछ रहे हैं, सर कैन यू प्लीज़ मेक वीडियो ऑन आर्टिकल पासिंग। बिल्कुल, हमने ऑलरेडी बना रखा है, हमने आर्टिकल वाली वीडियो आपको मिल जाएगी, नहीं तो एक वीडियो बना देंगे, परेशान ना होइए। उसके अलावा गॉड विश्वकर्मा कह रहे हैं कॉपी रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म कब आएगा। फॉर्म देखिए अभी कोई अपडेट नहीं है, बट चांसेस यही कि इसी हफ्ते में फॉर्म हर हाल में 2-3 दिन में आ जाएगा, जैसे कोई अपडेट आएगी आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। उसके अलावा सर यहाँ पे मोबिन क्या कह रहे हैं, सर मेरा स्पेशल कैरियर का जो एग्ज़ाम दिया था उसका रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ, कब होगा। तो कैरीवर और स्पेशल कैरीवर का रिजल्ट अभी अपडेट नहीं हुआ है, उसको लेकर अपडेट अभी लास्ट में बताएंगे, लेकिन रिजल्ट आप लोगों का इसी हफ्ते में आने के चांसेस, हफ्ता 10 दिन के अंदर आने के चांसेस, पहले रेगुलर का आएगा, उसके बाद सारे आप लोगों का फिर आएगा बाद में। उसके अलावा किन का रिजल्ट है अभी बात करेंगे, पहले सुन लीजिए वीडियो को। यहाँ पे ऋषिकेश क्या कहना, मेरा टोटल 26 पेज लिखा हूँ इलेक्ट्रिकल में, 14 नंबर मिला है, 7 नंबर और मिल जाते तो मेरी बैग ना लगती, तो आप गैरेज ले सकते हैं अगर आपको YGPA 10 है। उसके अलावा अविनाश क्या कह रहे हैं, सर कल COP का एग्ज़ाम, बट उसका पहले जो COP एग्ज़ाम दिया था रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, हम लोग के साथ खिलवाड़। बिल्कुल खिलवाड़ पर, बट आप एग्ज़ाम दीजिए और अगर ज़्यादा नंबर आएगा तो यही जुड़ा जाएगा, कम नंबर आएगा तो पुराना वाला माना, कम नंबर आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा जो दोनों में से होगा वही माना जाएगा, कोई इशू नहीं है उससे। उसके अलावा यहाँ पे पूछे सर BTech फर्स्ट सेमेस्टर में रिचेकिंग के लिए फॉर्म होगा, फॉर्म इसी हफ्ते में आने के चांसेस है। उसके अलावा लाइफ स्टाइल पूछे सर, मैं भी आपको काफ़ी दिखाना चाहता हूँ, कैसे कॉन्टैक्ट करने के लिए आप जो हमें मेल कर सकते हैं, काफ़ी की वीडियो बनाएंगे। मेल ID नोट कर लीजिए, brightbaren786@gmail.com, brightbaren आपको हो सकता है लिंक डिस्क्रिप्शन में, brightbaren786 पर हमें भेज सकते हैं। उसके अलावा जावेद मुस्तफा जी सर पूछ रहे हैं कि AGTU के छात्र बताएं कौन कौन से कोर्सेज के अभी तक परिणाम नहीं, तो जिन भी बच्चों का रिजल्ट नहीं है जाके जावेद मुस्तफा सर को फॉलो भी कर सकते हैं, आप बता सकते हैं उनको कमेंट करके कि कौन कौन सेमेस्टर का नहीं है, ताकि वो आवाज़ हमारी उठा सके। उसके अलावा देखिए ऑल यूरिंग के आपको कह रहे हैं कि अंबिशा जी कि MBA फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है, तो आप सभी लोग जाके चेक करिए, MBA फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है, अभी वह सर्कुलर नहीं है बट रिजल्ट आ चुका है। उसके अलावा दिवांश कह रहे हैं सर मेरा आज हुआ है एग्ज़ाम MBA फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर 8 सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है, यानी कहने का मतलब इनका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है और 2 नंबर दिया है स्टैटिक्स में, ये जो पॉसिबल है ओवरऑल 72, यानी कहने का मतलब इनको 2 नंबर दिए स्टैटिक, बाकी 72% है, तो बहुत ही कांग्रेचुलेशन आपको, बाकी जो जो जिसमें नंबर कम आए उसकी बैक एग्ज़ाम दे दीजिए, कोई इशू नहीं है। तो जिन छात्रों का MBA के जो छात्र हैं उनका रिजल्ट आ चुका, जाके वॉच कर लीजिए, देख लीजिए अपना 1वीं पे
आप लोग बताना कमेंट करके कितना बना। अगर आपकी बैक लगती है या फिर जो भी इशू है तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, उस वीडियो बना देंगे। बाकी चैलेंज यूनिवर्सिटी फॉर्म इसी हफ्ते में आने के चांसेस है। सी ओ पी का रिजल्ट जो है हफ्ता से 8 से 10 दिन के अंदर अंदर आने के चांसेस हैं। और मॉक्स वाली सर्टिफिकेट 5 अगस्त तक में सभी कॉलेजों को अपलोड करना। कोई और डाउट कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरह की वीडियोज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई और डाउट हो तो आपको बताएंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में, जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी बटन दबा लें ताकि इस तरह के अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच।